मंदसौर जिले के कोटरा खुर्द गांव के करीब पोला डोंगर नामक एक प्राचीन धरोहर है। यह पूरी तरह आसपास जंगल से घिरा हुआ होने के कारण इस क्षेत्र में जंगली जानवर आए दिन दिखाई देते हैं, लेकिन इस क्षेत्र में पहली बार हिरण दिखाई दिए, जो प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण स्थल जंगली जानवरों के लिए बहुत उपयुक्त है। इसी के मद्देनजर आसपास के क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीणों एवं किसानों में जंगली जानवर दिखाई देने से हर्ष व्याप्त है। उनका कहना है कि पुरातत्व विभाग यदि ध्यान दे तो यह निर्जन स्थान पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही अच्छा हो जाएगा। मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा से सटे इस स्थान को यदि पर्यटन की दृष्टि से अच्छा कर लिया जाए तो आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों एवं छोटे दुकानदारों किसानों को रोजगार भी मिलेगा। हिरण के छोटे छोटे बच्चों को आसपास रहने वाले खेती करने वाले किसान ने देखा तो खुशी की लहर दिखने लगी। ग्रामीणों पुरातत्व विभाग से मांग की है कि ऐसी धरोहर जिसे लोग दूर दराज से देखने आते हैं वह पूरी तरह खंडर हो चुकी है, उसे पुरातत्व विभाग ध्यान दे। भानपुरा से सत्यनारायण बिरागी की रिपोर्ट। अपन खेत पर चक्कर मारने के लिए आते, हिरण का बच्चा भी है यहाँ, रुजला भी है यहाँ, बहुत सारा जंगली जानवर बहुत रहते हैं यहाँ पे, और यहाँ तो रोज आना ही अपन को। और ये जो पास में जो स्थान है, क्या नाम है इसका? ये पोला डूंगर है। शिव शंकर भगवान की मूर्ति है, बहुत बढ़िया मूर्ति है, यहाँ पे बहुत दर्शन करने के लिए आते हैं। यहाँ पे ने बहुत बढ़िया काम सबका सफल करते भी है। कौन से एरिया में आ गए? ये कोटरा खुर्द में। और तहसील क्या लगती है इसमें? यहाँ तहसील गरौड़ है। आपका नाम? शंकर सिंह सिसोदिया। कहाँ पर रहते हो आप? कोटरा खुर्द में रहता हूँ। क्या नाम आपका? राहुल सिंह। राहुल जी, बताए जैसे आप यहाँ लगातार आते रहते हो तो कई आपने ऐसे जानवर देखे हैं जो देखने को मिले? बहुत सारे जानवर पाए जाते हैं यहाँ पे, नील गाय हुए, हिरन है, और ये रोजड़े सब भी यहाँ पे पाए जाते हैं। कितनी हिरने देखी है आपने? अभी 4-5 देखी थी। अच्छा, कितने दिन पहले? हम तो रोज ही देखते हो? मतलब हाँ, यहाँ पे आते हैं जब जब देखते हो। अच्छा, ये एरिया कौन सा आ गया यहाँ पे? ये एरिया कोटरा खुर्द है, बोलिया के पास। और ये पोला जो डूंगर जो बना हुआ, ये कहाँ पे बना हुआ था? जंगल में बना हुआ पूरा? हाँ, ये जंगल में बना हुआ, और पुरातत्व विभाग द्वारा है, और यहाँ पे साफ सफाई हो रही है लगभग।